आप लोगों ने बॉलीवुड में भूतिया फिल्म तो बहुत देखी होगी और दो डायरेक्टर बहुत ही फेमस है, एक तो रामसे ब्रदर्स, दूसरे विक्रम भट्ट। दोनों डायरेक्टर्स काफी भूतिया फिल्में बनाते हैं और भूतिया नहीं मतलब बोलता चूतिया फिल्में। हाँ रामसे ब्रदर्स की बात करो तो वो एक जमाने में बहुत ही हिट फिल्में देते थे, उनकी फिल्में आज भी लोग देख के वो डर महसूस करते। लेकिन विक्रम भट्ट की माने तो इक्का दुक्की फिल्म के अलावा विक्रम भट्ट की सारी फिल्में डरावनी कम कॉमेडी ज्यादा लगती है। लेकिन अब बॉलीवुड में फिल्में बनाने का जो नजरिया वो शायद थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स जैसे बड़े पार्टनर आ गए और वो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते, तो अब इन लोगों के पास ज्यादा बजट आ गया तो कुछ अलग हटके बना रहे। हालांकि देखा जाए तो इनकी चारों की चारों कहानियां आपको हॉलीवुड की कहानियों से इंस्पायर होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी एज इंडियंस अगर बात करें तो उन लोगों ने जो कोशिश की है बहुत अच्छी की। यहां पर मैं आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा कि चारों की चारों कहानियों में आपको कुछ अलग हटके देखने को जरूर मिलेगा। आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं यहाँ पर चारों की बात करूंगा, चारों ने अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो कहानी बताने की कोशिश की वो बहुत अच्छी है। हालांकि जो पहली कहानी जोया अख्तर की वो इतना डराती नहीं है, लेकिन वो कहानी काफी सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ सकते हो। अगर आप उसके अलावा जो दो कहानी जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी और कुछ अलग हटके लगी, मैं अनुराग कश्यप से ये एक्सपेक्ट नहीं किया तो वो इस तरह की कहानी बताएंगे, और दिवाकर बैनर्जी ने भी काफी शॉकिंग किया। लेकिन इन दोनों की कहानी देखकर आपको ऐसा लगेगा ये सब कहानी आपने पहले भी कही देखो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया वो एग्जीक्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथी कहानी करण जौहर ने भी अपने कम्फर्ट जोन से निकल के जो कहानी बताई है वो कहानी काफी मुझे अच्छी लगी। चारों डायरेक्टर की कहानी मुझे अच्छी लगी, मैं कहीं से भी ये नहीं बोलूंगा कहानी खराब है। हाँ ये है कि इसमें बच्चे लोग ने काम तो किया, लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा फील हो रहा था कि दिवाकर बैनर्जी और अनुराग कश्यप की जो कहानी है वो बच्चों के सामने हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें काफी ऐसे सीन है जिसे आप खाते समय देख लोगे तो आपको वॉमिट आ जाएगी, और अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हो तो भी आपको कुछ अजीब से क्रीपीनेस फील होगी, कुछ अजीब सी फीलिंग होगी, क्योंकि उसमें जो मेकअप या जिस तरीके की चीजें डाली गई है वो काफी अजीब लगती है, यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता। हाँ इतना कह सकते हैं कि चारों डायरेक्टरों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी मेहनत की, और मुझे पर्सनली चारों की चारों कहानी अच्छी लगी। कुछ कहानी ऐसी जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहानी आप लोग समझ जाओगे, ज्यादा कुछ ऐसी भी कहानी नहीं जो आप लोग समझ नहीं पाओगे, एकदम सिंपल कहानी। हाँ लेकिन जिस तरीके से बनाया वो तरीका बहुत अच्छा लगा, स्पेशली एज इंडियंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने इस तरीके की कहानी का सोचा, वरना हमेशा हमारे इंडिया में कोई भूतिया फिल्म बनती तो वही लाइट बंद चालू करना या तो फिर बेकार के साउंड इफेक्ट डाल देना, बस वही डाल देते थे और सड़े से एक भूत को बीच में डाल देते थे, और फालतू के जो एक्टर्स होते वो अजीब अजीब तरीके के एक्सप्रेशन देके सोचते थे कि हम लोग को डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। अब फाइनली कुछ ऐसी स्टोरीज देखने को मिली जिसे देखकर वाकई में इतना कह सकता कि आपका वर्थ वॉच है। और चारों की चारों कहानियां की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कुछ 2 घंटे 26 मिनट की मूवी है, तो ज्यादा बड़ी मूवी मुझे लगी नहीं। कहीं पे भी ये मूवी आपको बोर करती नहीं है, बस इतना ख्याल रखना अगर आप लोग घर पे देख रहे हो तो घर पे आपके बच्चे या तो फिर आपकी फैमिली में उन लोग जो ऐसी खतरनाक या डरावनी चीज या खून खराबे वाली चीज देखना नहीं पसंद करते तो उन लोगों के सामने ये कहानियां मत देखना। स्पेशली अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी की कहानी में कुछ ऐसे सीन है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये कहानी देखना तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, ये हिंदी में मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।